हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ हाथ में लेने के लिए छोटा सा पर्स। उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। जैसे ये मैंने चौड़ाई में 10 इंच लिया है, तो हमारा सिल सिला के 9 इंच रह जाएगा। और लंबे में मैंने ये देखिए 15 इंच लिया है। अभी क्या है, ये हमने 5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। यहां से दूसरी साइड में भी यहां तक, और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये हमारा ऊपर का आएगा। तो ये भी हमने ये देखिए 5 इंच तक निशान लगा लिया है इसको भी, और ऊपर का जितना रह जाएगा वो फोल्डिंग के लिए। तो ये कपड़ा मैंने रेडी कर लिया है काट के। और इसके लिए हम ये एक बुकरम लेंगे इसी कपड़े के साइज की, और इसको हम ऐसे अटैच कर लेंगे इस कपड़े के साथ सिलाई लगा के। तो दोस्तों देखिए, पेपर बुकरम मैंने ये इसके साथ अटैच कर दी है चारों ओर स्टिचिंग करके। तो ये हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो पर्स है वो थोड़ा कड़क रहे। तो दोस्तों देखिए, ये लाइनिंग का कपड़ा है। अभी हम इसको रेडी करेंगे। तो हमने इसके 3 5 5 इंच के 3 ब्लॉक्स बना लिए हैं। तो ये हमारा फोल्ड करने के साइड आएगी, ये देखिए, और ये ऊपर से फोल्ड होगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉकेट लगाएंगे। तो एक हम छोटी पॉकेट लगाएंगे, जैसे ये है, इसको हम अटैच कर लेंगे यहाँ पे। और ये हम बड़ी लगाएंगे यहाँ पे पॉकेट, इसको भी हम अटैच कर लेंगे। सबसे पहले ये अटैच करेंगे, फिर ये करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक छोटी पॉकेट मैंने अटैच कर दी है। आप चाहे सेंटर में कर दो, चाहे साइड में कर दो, कोई कैसे भी कर दो, पॉकेट को हमने लगा दिया है। अभी इसके ऊपर हम एक और पॉकेट लगाएंगे, ये इसको यहाँ फोल्ड कर लेंगे यहां से ऊपर से, और इसे अटैच कर देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, ये एक पॉकेट हो गई और ये दूसरी पॉकेट हो गई। अभी ये हमारी लाइनिंग रेडी है। तो दोस्तों ये फोल्ड करके मैंने ये गोलाई में निशान लगा लिया है। अब इसको हम काट लेंगे। देखिए, हमने ये गोलाई में काट लिया है। अब ये हमारी ये शेप आ गई है। अभी हम इस कपड़े को ऐसा बकरम वाली साइड नीचे रखेंगे और ये कपड़ा ऊपर रखेंगे। और ये लाइनिंग हमने जो लगाई है, ये अंदर को, अब ये लाइनिंग वाली साइड हमने जो जेब, ये हमने पॉकेट लगाई है, ये साइड भी हम अंदर को रखेंगे ऐसे। और इस सभी कपड़े को यहां का छोड़ के पूरा यहां तक हम पूरा सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों, सिलाई लगाने से पहले हम पिन से कपड़े को सेट कर लेंगे ताकि हमारा कपड़ा थोड़ा भी हिले डुले ना। तो हमने यहाँ पिन लगा दी है। अब हम सिलाई करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सिलाई मैंने लगा दिया है, लेकिन इस साइड में मैंने नहीं लगाया है, खोलने के लिए हमने रखा है। तो ये कपड़ा जो हमारा है, इसे हम काट देंगे। तो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा काट दिया है। अब इस साइड को हम गोलाई में है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे काट लेंगे, थोड़ा थोड़ा, सिलाई नहीं काटना, ऐसे, ताकि हमारी शेप अच्छी आए पर्स की। दोस्तों देखिए, ये मैंने कट लगा दिए हैं थोड़े थोड़े। अभी यो हमने ये साइड बिना सिलाई के रखी, इससे हम खोल देंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये पर्स को खोल दिया है, सीधा कर दिया है, ये देखिए। अब इसके कोनों को थोड़ा हम ऐसे सीजर कैंची डाल के ऐसे थोड़ा निकाल लेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से दिखे हमारा ये सारा शेप, अच्छी आ जाती है ऐसे।
तो दोस्तों देखिए इतना बनके हमारा अभी रेडी है। तो ये हमारी पॉकेट वाली साइड है। तो अभी क्या करेंगे हम, ये हमारा ऊपर का है पार्ट और ये हमारा ये नीचे का है। तो इसको हमने सिलाई नहीं किया था तो हम इसको थोड़ा थोड़ा यहां से फोल्ड करके ऐसे ये पूरा अच्छे से फिनिशिंग देके, तो इसको हम ऐसे अच्छे से करके यहाँ पे स्टिच लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए ये सिलाई मैंने लगा दी है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ हमने पॉकेट लगाई और ये इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए ये ऊपर का पार्ट है। तो देखिए हमारा पर्स अभी रेडी है। तो अभी क्या करेंगे हम, यहां से लेके यहां से सिलाई लगाएंगे, एकदम फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे, ऊपर से यहां तक बंद करेंगे। तो दोस्तों सिलाई मैंने लगा दी है। तो पर्स हमारा भी रेडी है। देखिए एक पॉकेट ये देखिए ये लगाई थी और ये छोटी वाली पॉकेट लगाई है। तो हमारा पर्स रेडी है। तो दोस्तों अगर आपके ड्रेस वगैरह में से कोई कपड़ा अच्छा बचता है तो आप अपनी ड्रेस का मैचिंग ऐसा पर्स बना सकते हैं। और यहाँ पे हम कुछ डेकोरेटिव बटन लगा सकते हैं। अंदर हम एक बटन लगाएंगे जहाँ हम ऐसा भी लगा सकते हैं, ये प्रेस करने का आता है, यहाँ पे हम इसे चिपका देंगे जो सिलाई करके यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। तो हमारा पर्स एकदम रेडी हो गया। तो दोस्तों आपको ये मेरा पर्स का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।